अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाजी, थाती जी ने शर्त लगाई और यहाँ बात परिवार की इज्जत मान सम्मान की है, पीछे तो मैं नहीं हटूंगी। जीतने के लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी होगी मैं करूंगी। तुम कर लोगे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। मलिष्का जी, आप शाम को भी ऐसे स्कार्फ पहन के गॉगल्स लगा के घूम रही हैं। सच कहूं तो मुझे लगा कि आप अपने कमरे में आराम कर रही हैं। आप अपने बालों का, अपनी त्वचा का कितना ख्याल रखती हैं, हर लड़की को ना आप सीखना चाहिए। हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और ये स्कार्फ, जी वाह, क्या पोस्टर बनाया है। अब इस पोस्टर को मैं अपने सारे चैट ग्रुप में भेजूंगी, क्योंकि जीतेगी तो रूही ही। क्या है दादी, आप तो रूही से इतनी नफरत करती है, आज तक आपने उसको अपनी बहू तक नहीं माना, फिर कैसे आपने उसको इस घर की बहू के तौर पे कंपटीशन में हिस्सा लेने दिया? क्योंकि मैं रूही से ज्यादा नफरत अपनी उस पड़ोसन विमला से करती हूँ। जब से उसकी वो सुंदर बहू आई है ना, तब से वो सातवें आसमान में उड़ रही है, हर पल मुझे नीचा दिखाती रहती है। इसलिए इस बार मैं उसे नीचा दिखाऊंगी, इसीलिए रूही इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगी और जीत कर हमारे खानदान की इज्जत बचाएगी। दादी जी, आप कुछ ज्यादा ही रूही का साथ दे रही, अगर हार गई ना तो आपको उसी पड़ोसन के घर में एक दिन नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। मैं उसे हारने दूंगी तब ना। जब तक ये कंपटीशन खत्म नहीं हो जाता ना, मैं हर हाल में रूही का साथ दूंगी। दादी, मैं रूही को ये देकर आती हूँ, कंपटीशन में राउंड जो होंगे सो होंगे, लेकिन रूही को हर हाल में सुंदर दिखना है। अरे दादी, 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 मेरी बात को सुनिए। ये दादी तो इस कंपटीशन के चक्कर में पूरा का पूरा रूही की तरफ हो गई है। मैं क्या करूं? लेकिन अगर रूही इस कंपटीशन में हार गई, यह हिस्सा नहीं ले पाई, तो फिर पूरे कोइन का खानदान की बदनामी हो जाएगी और सबके दिल में रूही के लिए नफरत चार गुना बढ़ जाएगी। कुछ तो करना पड़ेगा। क्या कर रही हो रूही? भारजी, मैं इस कंपटीशन के पुराने वीडियोस देख रही थी। इसमें तो हर साल अलग अलग कंपटीशन होते हैं, हर साल अलग अलग चीजें होती है, कभी सिंगिंग, कभी डांसिंग, कभी कुकिंग, कभी ब्यूटी कॉन्टेस्ट, कभी इंटेलिजेंस टेस्ट। पता नहीं इस बार क्या होगा। रूही जी, बैठो। रूही,
तुम इस प्रतियोगिता में हमारे घर की बहू बनकर हिस्सा ले रही हो, तो हमारे खानदान का रुतबा भी दिखना चाहिए। अब तुम्हारी शक्ल का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, इसीलिए ये लेकर आई। प्रतियोगिता के दिन तुम्हें ये जेवर पहनने हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि तुम गोयंका परिवार की बहू हो। रूही, तुम्हें खुद को साबित करने के लिए एक मौका चाहिए था ना, तो समझ लो कि यही वो मौका है। तुम्हें ये प्रतियोगिता जीतनी ही होगी। रूही रूही रूही, मेरी बात सुनो। मैं जानता हूँ ये कंपटीशन दादी के लिए बहुत अहम है, लेकिन ये हार जीत का भार ज्यादा मत लो तुम। ये सिर्फ कंपटीशन का हिस्सा है, जिंदगी का नहीं। लेकिन नाजी, ये कंपटीशन की हार जीत मेरे आगे की जिंदगी तय करेगी। दादी जी ने वो नौकर बनने वाली शर्त रखी है, अगर मैं सुपर वुमन नहीं बनी तो दादी जी मुझे कभी माफ नहीं करेंगी। रूही, सच बताऊं तो मेरी नजर से हर एक औरत सुपर वुमन होती है। मौत के गोद में जाकर नई जिंदगी को जन्म देने वाली देवी होती है। पता है, कभी मां बनकर तो कभी बेटी बनकर, कभी पत्नी बनकर तो कभी बहन बनकर, हर रिश्ते को बखूबी निभाती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो, उसका हल औरत है। परिवार की नींव होती औरतें, उनके बिना ना ये दुनिया है ना ये जिंदगी। इसलिए जो खुद भगवान के समान है, उनके लिए ताज आज की कोई जरूरत नहीं, कोई मायने नहीं रखता। इसलिए मिसेस रूही नाहर गोयन का चिल, रिलैक्स, स्माइल, सांस लो, डीप ब्रीथ, रिलैक्स। अब एक सेकेंड। जी शर्मा जी, हाँ जी, नाहर जी, मैं आपकी सोच की कदर करती हूँ, लेकिन मैं दादी जी के भरोसे को भी टूटने नहीं दे सकती। मुझे इस घर में, सबके दिल में वापस अगर जगह बनानी तो मुझे वो कॉम्पिटिशन जीतना ही होगा, चाहे जो चाहे। ये बोलेना जी, हमें प्लीज इन पहलवान अंकल से मिलवा दो। सर, आप इस समय यहाँ? चले एक नया केस है, मुझे यकीन है ये केस सिर्फ आप ही सॉल्व कर सकते हैं। सर जाना कहाँ है? सहजन हुआ। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। ठीक तो है ना? आपने अपना सर पूरा छुलवा लिया मलिष्का जी। ओ ये बहुत गर्मी हो रही थी ना आंटी, और गर्मी तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होती, रूम में एसी भी नहीं है, इसीलिए मैंने अपने बालों का ना चॉप 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 कर दिया। Now I feel so free. अब अंकल को ही देखिए ना, उनको कितना फ्री फील होता होगा ना ऐसे कम कम बालों में, राइट अंकल? मेरे बाल तो बेटा जी। और गेस्ट होके मैं ऐसी डिमांड कैसे रख सकती हूँ आपके सामने, इसीलिए मैंने चॉप 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 कर दिया। हमारे यहाँ तो ये बहुत नॉर्मल है, चिल। यहाँ चलता है, पिंकू वैसे ही नजरें चुराता है, अब तो देखेगा भी नहीं। बहुत गर्मी हो रही ना आंटी, मैं रूम में रेस्ट करके आती हूँ। लो।
तो गंदी बहू है। क्या हुआ पूनम, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं। प्रतीक क्या हुआ? अब खड़े खड़े सपना देख रही थी क्या? प्रतीक के पापा पता है मलिष्का जी को देखकर ना मेरे होश ही उड़ गए। ऐसे कैसे कर दिया उन्होंने, अपने सारे बाल छिलवा डाले। अरे उनका सर है, उनके बाल है, उनको जैसा करना है करने दीजिए। और आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं? थोड़ी आपकी बहू है, क्या इतना टेंशन ले रही है? करने दीजिए उन्हें जो करना है। ये जूस गिरा दिया आपने, दूसरा ले आइए प्लीज। कैसे भी करके मुझे जल्द से जल्द मलिष्का के बाल उगवाने होंगे ताकि मेरे पिंकू की बीवी नकली ना हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ मैं तुमसे शादी करूंगी। चौंक क्यों गए? अच्छा देख कर बताओ मेरी मेहंदी कैसी लगी? तुम्हारे नाम की लगवाई। बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। You know what, Joey? I'm so happy. क्या दिखाऊंगी? पागल, पता नहीं कहां खोया रहता है। बार बार बचे चूहे। सपना कब सच होगा? कब जूही के हाथ में मेरे नाम की मेहंदी लगेगी? ने रूही को 15 दिन में घर से निकालने की चुनौती दी है और यहाँ दादी ने इन्हें उसे सुपर वुमेन कंपटीशन में हिस्सा दिलवा के घर में रुकने का मौका दे दिया और महारानी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। बहुत स्मार्ट समझती है ना खुद को। इसके ख्वाहिशों के पंख तो मैं अभी काटती हूँ। अभी सबकी नजरों में इसे गिराती हूँ। सुपर वुमेन की जगह मनहूस वुमेन बन जाएगी। मैंने नमक की जगह बेकिंग सोडा डाल दिया है। अब इसे खाते ही मेरा बीपी बढ़ जाएगा और फिर नाहर लेगा रूही की क्लास। रूही के लिए कुछ अच्छे कपड़े मंगवा देती हूँ,
अपनी तरफ से मैं कोई कमी नहीं रखना चाहती हूँ। अग्नि, कैसी तबीयत है? तबीयत ठीक हुआ? हाँ ना, अभी तो ठीक हूँ मैं, बस थोड़ी कमजोरी लग रही है। नींबू पानी पियूंगी ना तो थोड़ा आराम मिलेगा। अग्नि तुम रुको, रूही अग्नि के लिए नींबू पानी लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी। जहर के साथ क्या कर रही है? अरे अग्नि, खड़ी क्यों हो? आगे बैठ जाओ। नहार, हॉल में बहुत घुटंग सी हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं सारी खिड़कियां खोल देती हूँ, सबको फ्रेश फील होगा। ये लो अभी तुम्हारे लिए नींबू पानी। रूही रहने दो, मेरा मन नहीं है। ऐसे कैसे मन नहीं है, पी लो ना, तुम्हें इतनी कमजोरी हो गई है, तुम्हें ये पीकर अच्छा लगेगा। लो। हाँ हाँ, तो अब नहीं लग रही है कमजोरी, मैं ठीक हूँ, मुझे नहीं पीना है। अग्नि थोड़ा पी लो, बेटर फील हो। हाँ अग्नि पी लो ना। नहार मुझे ये नहीं पीना है, रूही ने इसमें कुछ मिलाया है। मिलाया? कुछ मिलाया है मतलब क्या मिलाया है? जहर। जहर? क्या बोल रही हो अभी? रूही भला ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि रूही मुझे पसंद नहीं करती। पहले इसने मुझे सीढ़ी से गिराया और अब ये मुझे जहर पिलाना चाहती है। अग्नि प्लीज, रूही पर इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ। ठीक है, तुम्हें शक है ना? तुम्हारा शक मैं दूर करता हूं। वो नींबू पानी मुझे ना। ये नींबू पानी मैं पीऊंगा। क्या कर रहे हो? रुक जाइए ना। आज आप ये नहीं पिएंगे। देखा नार, मैंने तुमसे कहा था ना, इसने इसमें जहर मिलाया है। रूही। एक मिनट, क्या हो रहा है ये सब? रूही, तुमने नहार को नींबू पानी पीने से क्यों रोका? अग्नि को मुझ पर शक है ना, इसका ये शक मैं ही दूर करूंगी, मैं ही ये नींबू पानी पीऊंगी।
अब तुम्हें मैं कैसे तुम्हारे ही जाल में फंसाती हूँ। ये लो अभी पी लिया मैंने नींबू पानी और देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। अग्नि ने रूही पर खामखा कितना बड़ा इल्जाम लगाया। This is not fair. बहुत गलत किया तुमने। जाने दीजिए नाथ जी, अग्नि के सर पर चोट लगी है इसीलिए उसे वहम हो गया होगा। वैसे मुझे लगता है अग्नि को कुछ दिनों के लिए गुरु जी के आश्रम भेज देना चाहिए, उसके मन को शांति मिलेगी। अब माँ जी रूही बिल्कुल सही कह रही है। क्या है ना, मेरे पहचान के गुरु जी हैं। अग्नि तुम कुछ दिनों के लिए उनके आश्रम में रहकर आओ। नहीं आंटी, वो मैंने आज दोपहर की दवाई नहीं ली थी, शायद इसी वजह से मुझे वहम हो गया होगा। बाकी मैं ठीक हूँ, मैं कमरे में जाके दवाई ले लेती हूँ। अग्नि आंटी मैं ठीक हूँ, प्लीज डोंट वरी।